इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के द्वारा रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला को जीबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा मिली हुई है। उन्होंने हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए ये मांग की है कि 60 साल से ऊपर के पुरुष की रिहाई का प्रावधान है और इसके अलावा 70% दिव्यांगता के शिकार कैदी को भी रिहाई का लाभ दिया जाना इस नोटिफिकेशन में सुनिश्चित किया गया है। ओम प्रकाश चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अमित साहनी ने अपनी दलीलें रखते हुए उनकी रिहाई की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृतुल ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को आश्वस्त किया कि चौटाला की याचिका पर दिल्ली सरकार विचार करेगी। वहीं अमित साहनी ने तर्क रखा है कि चौटाला 10 साल की सजा भुगत रहे हैं, उनकी उम्र 83 साल है, उनको पेसमेकर लगा हुआ है और इस तरह से वे 70% दिव्यंगता के दायरे में आते हैं। उधर सियासी हलकों में ये चर्चा भी गर्म है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में आप और जेजेपी गठबंधन की बातें की जा रही हैं। ऐसे में कुछ लोग ये शक भी जाहिर कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की केजरीवाल से नजदीकी का कोई नुकसान ओम प्रकाश चौटाला को कहीं ना हो जाए। गौरतलब ये भी है कि पूर्व में फरलो रद्द होने पर एक बार पहले भी ये विवाद सिर उठा चुका है। उधर ओम प्रकाश चौटाला से सहानुभूति रखने वालों का मानना है कि दुष्यंत अपने दादा के साथ ऐसा व्यवहार कतई नहीं करेंगे, बल्कि उनका ये कहना है कि दुष्यंत को चाहिए कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केजरीवाल सरकार से सकारात्मक रिपोर्ट करवाएं ताकि उनके दादा की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सके। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि दुष्यंत इस केस के संबंध में क्या रुख अख्तियार करते हैं। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।